वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। जैसा कि हम कल देख चुके हैं, आज हम एक ऐसे ताबड़तोड़ टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो हमारे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं, रीजन देखो, इतिहास रहा है, अगर आरबीआई ने किसी एक ट्रेंड को फॉलो किया है तो उसी चीज को कॉपी करता है एसबीआई और उसी चीज को कॉपी करता है आईबीपीएस। 2020 में जब असिस्टेंट के वैकेंसीज निकली आरबीआई में, आरबीआई ने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस रखे थे। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में आए हैं ऑन एन एवरेज, कहीं पे 6-7 कहीं पे 8। और इसी चीज को कॉपी किया है एसबीआई ने अपने क्लर्क के एग्जाम में। तो हमें ये उम्मीद लग रही है कि हाँ, एसबीआई क्लर्क ने अगर ऐसा कुछ किया है तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस भी इन्हीं बड़े बड़े एग्जाम्स को कॉपी करेगा। तो हमें अपनी तैयारी कुछ उस तरीके से करनी है कि हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को अच्छे से कर पाए। अब सवाल ये उठता है दोस्त कि मैं इतनी हाइप क्यों बना रहा हूं, मैं इतना क्यों बोल रहा हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यार, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो बहुत आसान सी चीज है। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो बहुत आसान चीज है। तो एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो मुझे, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सिंपल सा सवाल है, जल्दी से आंसर दे दो। हमने बचपन से पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सवाल का जवाब बच्चों का आ रहा होगा क्या ये? क्या ये सही जवाब है? अच्छा, कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि भैया इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स हैं, तो इसमें है 7 और इसमें है 8, तो 8 + 7 = 15। क्या ये दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर है इसका दोस्त ओनली 1। इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट होता है 1। अल्फाबेट की हिंदी क्या होती है? अल्फाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। तो इंग्लिश लैंग्वेज की वर्णमाला कितनी है? 1 ही तो है, A to Z। A to Z को हम बोलते हैं 1 अल्फाबेट। और इस अल्फाबेट्स में जो ये ABCD है ना, इसको हम बोलते हैं लेटर्स। ठीक है, देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मैंने आपसे पूछ ली, या फिर अगर आपको ये नहीं पता था तो ऐसा नहीं है कि आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ये सिर्फ मैंने नॉर्मली आपसे पूछ लिया। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इतनी बड़ी हाइप क्यों बना रहा हूं, रीजन क्या है दोस्त? इसके क्वेश्चंस हमें देखने में ऐसा लगता है कि हाँ, बड़े आसान है, पांचवी क्लास का बच्चा भी इसको कर लेगा, ये फैक्ट है। अगर मैं ये क्वेश्चंस फिफ्थ क्लास के एक बच्चे को दूं वो भी कर लेगा, हम भी कर लेंगे। लेकिन ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्यों आता है? क्योंकि प्रिलिम्स इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, स्पीड। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी स्पीड कम करते हैं, क्योंकि ये लेंदी होते हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी होती है, हमें समझने में थोड़ा सा समय लगता है। और हम अपनी एक बेसिक अप्रोच से इनके क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे हो भी जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो हम यहां पे 10-15 सेकंड अपने बचा सकते हैं। बात समझ आ रही है? थंबनेल में आपने देखा होगा 5 marks in 2 minutes। हम ये 5 marks कहीं ना कहीं 3.5-4 minutes में अभी स्कोर कर रहे हैं, हमें इसको रिड्यूस करके 2 minutes करना है। तो अगले इस पूरी सीरीज में बने रहिएगा, रीजन बड़ा ही खतरनाक सेशन होने वाला है। अब ये आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैंने 12 लेटर्स लिखे हैं। 12 क्यों लिखे हैं? क्यों? अभी हम कुछ सीखेंगे, बेसिक सी चीजें हैं जो हम सीखेंगे। हमारे पास जब क्वेश्चन, हम देखो, एक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और दूसरी इसी से जुड़ी हुई एक चीज है, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग एंड डीकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग एंड डीकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन्हीं दोनों में ही इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। किन सब चीजों का?
जो आपके अल्फाबेट्स हैं ये इनकी प्लेस वैल्यूज का इस्तेमाल होता है। बात समझ आ रही है? जितने भी लेटर्स हैं इन सभी की प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा भाई ई लिखा है, आपको उसका 5 ये जो वैल्यू है इसका इस्तेमाल करना होगा। बात समझ आ रही? अब ये याद कैसे करें? या तो रटो कि हाँ भाई एल की वैल्यू 12 होती है और एम की वैल्यू 13 होती है कि आर की वैल्यू 18 होती है, ये मुझे रटना पड़े, या फिर ट्रिक से याद कर लो। तो अगर मैं आपको कुछ ऐसी तरीके बताऊं जो जुगाड़ी तरीके हैं जो हमने खुद से बनाए हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तरीका देख लेते हैं। देखो ये 1 से 6 तक तो सबको याद होगा कि हाँ एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो 6 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है। यहां से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, हमें यहां से नहीं पता कि आई की वैल्यू 9 होती है कि एल की वैल्यू 12 होती है। तो इसको याद करने के लिए हमने कुछ देसी मेथड्स बनाए हैं, उसको फटाफट से देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक, अब देखो मेरे सामने जी है और जी की प्लेस वैल्यू 7 है, तो मैं जी की प्लेस वैल्यू 7 कैसे याद करूं? तो मैं जी को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि यहां पे 7 दिखाई देने लगे मुझे। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। देखो ये ना रिकॉग्नाइज आप कर पाओगे, अगर आपने जी को इस तरह से बनाना शुरू कर लिया तो आपको ये दिखाई देने पड़े लगेगा कि हाँ यहाँ पे 7 तो बना दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जी की जो प्लेस वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। ये धीरे धीरे आप अपने दिमाग में मेमोराइज करना शुरू कर लोगे। अभी ट्रिक्स पे ध्यान दो, फिर मैं तरीके बताऊंगा याद कैसे करने हैं। एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है, ये मैं कैसे याद करूं? तो एच को ऊपर से जोड़ दो और नीचे से जोड़ दो, तो कहीं ना कहीं ये 8 को रिजेंबल करना शुरू कर देगा। जी हाँ बिल्कुल कर देगा। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो मैं आई की प्लेस वैल्यू 9 बनानी है। अब मैं आई को इस तरह से क्यों बनाऊं? मुझे चाहिए प्लेस वैल्यू, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा ना कि हाँ उससे 9 बन जाए। तो क्या ये आई नहीं है? क्या ये आई 9 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? कहीं ना कहीं कर पा रहा है। या फिर हम छोटा आई बनाएं और ये जो सर्किल है इसको उठा के यहां लगा दें, तब भी ये 9 बन जाएगा। ठीक है, चलो इतनी सारी चीजें हो गई। अब हम एक वर्ड याद कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, इजोटी, AEJOTY। ये जितने भी लेटर्स हैं ये कहीं ना कहीं क्या हैं? ये 5 के मल्टीपल्स हैं। तो ये इजोटी को याद रख लो बस, EJOTY। इजोटी अगर आपको याद ना हो तो इसके रेफरेंस में याद कर लो। ठीक है ना, ये ज्योति से रिलेट किया एजोटी, और एजोटी में क्या था? EJOTY। ई का प्लेस वैल्यू 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और 25 हुआ वाई का। ठीक है ना, देखो वीडियो को शेयर करो, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचनी जरूर चाहिए। फटाफट से यार लिंक शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा। देखो हमने ये चैनल क्यों बनाया? हमने ये चैनल बनाया आप लोगों के लिए। आप लोगों की ये हमसे डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन आओ, सर आप वीडियोस में आओ, तो हमने ये आप लोगों के लिए बनाया। अब यार बच्चे आप नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? लोगों तक आप नहीं पहुंचाओगे वीडियोस तो कौन पहुंचाएगा? ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि ये आपका चैनल है। ये मेरा नहीं है, ये संचित सर का नहीं है, ये आपका चैनल है क्योंकि आपकी डिमांड के ऊपर ही यहां सब कुछ काम होता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है यार दोस्त कि अपना चैनल मान के इसको फैलाओ लोगों तक। ठीक है चलो अब फटाफट से देख लेते हैं। हमें देखो एजोटी मिल गया, ठीक है, तो 9 तक तो हमने देख लिया था क्या ट्रिक है। जे का ट्रिक यहां से मिल गया, ठीक है चलो। अब के का 11 कैसे होगा? के का 11 कैसे होगा? हमें आईपीएल जो कि अभी बंद हो गया है ड्यू टू दिस कोरोना, आईपीएल में एक टीम है, याद आया क्या टीम है? किंग्स 11। 11 ऐसे ही बनता है, 11 ऐसे बनाते हैं ना, पंजाब, याद आया? तो के फॉर किंग्स और 11 का 11 ले लिया। किंग्स 11 से याद रहेगा कि हाँ के की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। ठीक है चलो, अब 12 का
एल होता है या फिर एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ये मैं कैसे याद रखूं? तो देखो, जब हम एल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टाइल भी मार लेते हैं कभी कभी, ठीक। कैसे मारते हैं स्टाइल? ऐसे मारते हैं, या फिर थोड़ा सा और ज्यादा स्टाइल मारना हो तो ऐसे मार देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, ये 2 को रिजेंबल कर रहा है। मैंने 1 लगाया, 12 बन गया, L की प्लेस वैल्यू 12 बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने L को थोड़ा सा घुमा के बना लिया और उसके आगे 1 लगाया, फटाफट से 12 बन गया, ठीक। देखो, ये सब चीजें कहीं पूछी नहीं जाएंगी कि L की प्लेस वैल्यू 12 कैसे याद करी, ये नहीं पूछा जाएगा। बस ये पूछा जाएगा L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, तो तुम्हें याद करना है, जैसे भी करो, रटो चाहे जैसे करो, याद करो, ठीक। फटाफट से देख लेते हैं, M की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13। कैसे याद करें? M को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा दो और ये बन गया आपका क्या, ये बन गया 13। चलो, N की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो ये कैसे याद रखें कि N की प्लेस वैल्यू 14 होती है? तो देखो, जो मैंने अभी N बनाया है ना, इसमें कहीं ना कहीं 4 छुपा है। कैसे छुपा है? ये देखो, क्या ये N नहीं है? दिख रहा है, N ही तो है। N को मैंने थोड़ा सा टुकड़ों में बना दिया और ये रोमन नंबर का 4 बन गया, है ना। तो जैसी मुझे 4 मिला तो मुझे 4 से 14 याद आ गया। या फिर आप इसको और सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हो। क्या क्या याद कर सकते हो? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब होता है डियर? चिल्ड्रंस डे होता है नवंबर 14। तो नवंबर 14 मतलब नवंबर का N ले लिया और 14 का 14 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से, चलो स्लाइड तो चेंज कर लें। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें देखना है O। O के लिए फिर से हमारे पास एजोटी आ गया 15, ठीक है दोस्त। चलो अब P को देखते हैं कि P की प्लेस वैल्यू 16 कैसे होगी। तो P की प्लेस वैल्यू होगी 16। एक बच्चे ने मुझे बताया था, मैं बहुत लोगों को बता चुका हूं, वो मुझे मतलब उसका अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया था, इसीलिए मैं सबको बताता हूं। अगर वो देख रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। क्या कि P से होता है पूरी छोला और पूरी छोला से 16। ये उस बच्चे ने मुझे बड़े स्टाइल में बताया था क्लास में, तो बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैं हर जगह बोल देता हूं कि पी से होता है पूरी छोला बोले तो 16। या फिर आप थोड़ा सा और बना सकते हो क्या कि पी को कर दो उल्टा, या आपने पी बना दिया उल्टा, ठीक है ना, और 1 लगा दिया, 16 बन गया। बन गया नहीं बन गया? चलो अब देखो, क्यू का है 17। तो क्यू के लिए 17 मैं कैसे याद रखता हूं, एक ट्रिक इसकी देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो तो Q7 क्या ये कोई ऑडी का ब्रांड है? बिल्कुल है। ऑडी Q7 हमारे सामने एक गाड़ी दिखाई देने लगती है, तो हम ऑडी Q7 से Q17 कर लेंगे। बात समझ आई? चलो, या फिर Q17 को और इस तरह से याद कर सकते हैं, Q17 जो हरियाणवी लोग बोलते हैं ना, Q17 भाई, क्यों सतारा मुझे, तो Q17, ठीक। चलो अब R का है 18। तो भैया, अगर ऑडी Q7 आई है तो क्या ऑडी R8 नहीं आनी चाहिए? ऑडी R8 से हो जाएगा, ऑडी R8 से क्या हो गया, R का 18, ठीक। चलो S का होता है दोस्त 19। S का 19, देखो कुछ लोग बोलते हैं सर हमें इतने मॉडल्स याद नहीं होते, मॉडल्स मतलब कि ऑडी Q7, ऑडी R8। अभी मैं इसमें भी एक मॉडल बताऊंगा। क्या बताऊंगा दोस्त? देखो, सैमसंग S9, ये भी एक मॉडल है, सैमसंग S9। तो S का 9 मिला तो S से 19 बना लिया मैंने। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इसको इस तरह से कर लो कि हमने बनाया S ऐसे और ये जो सांप की मुंडी थी इसको हमने डसा दिया ऐसे, तो ये बन गया 9, बना दिया हमने 19, ठीक है ना। ये सब आपके लिए है, आप जैसे करो वैसे करो, मुझे मतलब नहीं।
मतलब क्या है, आपसे मैं पूछूं दोस्त टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आपका जवाब तुरंत आना चाहिए 20। मैं आपसे पूछूं आपकी आपका नाम क्या है, आप बताओगे जो भी आपका नाम है तुरंत बताओगे। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे दोस्त मेरा नाम क्या है, मेरा नाम शुभम है, मैं सोचूंगा नहीं, ठीक। लेकिन अगर मुझसे पूछ लिया कि यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है, इतना टाइम अगर लगेगा तब तो हो गया पेपर, तब तो हो गया पेपर, तुरंत निकलना चाहिए। दिमाग ऊपर नहीं चल जाना चाहिए कि जब पूछा गया अल्फाबेट या लेटर की प्लेस वैल्यू तो हम ऊपर देख रहे हैं। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 शायद होती है, अरे होती क्या, शायद क्या होती है, तुरंत आना चाहिए। ये नहीं कि हाँ शायद मेरा नाम शुभम है, नहीं, ठीक है। अब देखो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है तो कैसे होती है, हमारे सामने T20 मैचेस कहीं ना कहीं होते रहते हैं, तो T20 बोले तो T20, ठीक है ना, T20 मतलब T20। चलो U का 21 होता है ये मुझे याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझसे भैया ट्रिक बनी नहीं, U 21 की मुझसे ट्रिक नहीं बनी, सच बता रहा हूं। तो मैंने इसको याद कर लिया, रट लिया। कुछ बच्चे U21 का अलग अलग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं भैया, यू मतलब यू से हम कर लेते हैं अनमैरिड, और शादी की उम्र जो होती है वो 21 साल होती है, तो अनमैरिड 21 कुछ भी बना लो, ठीक है ना। ये आपके दिमाग की उपज है, आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि हाँ भाई यू यू की प्लेस वैल्यू आई तो 21 मुंह से तुरंत आना चाहिए। V22 कैसे होगा, तो विक्ट्री में कितनी उंगलियां, दो, तो 2 से 2 प्लस 2 22, ये हमारी मॉडर्न मैथ्स है, 2 प्लस 2 22, ठीक। चलो W का 23 होता है दोस्त, तो ये चलो भाई अभी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, अभी वापस आ जाओ। चलो W का 23 होता है ये कैसे होता है, क्योंकि हमने W को बना लिया ये, तो 3 बनाया आगे 2 लगाया, जैसे M का होता है ना 3, वहां लगाया 1, W में लगाया 2, ठीक। W के बाद आ जाते हैं X पे, तो X का होता है 24, X में क्वाड्रेंट कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट है, तो मतलब 4 यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया, ठीक है दोस्त। तो ये हमने कुछ इसकी इस तरह से ट्रिक से याद कर ली है। Y और Z का तो सबको पता है 25 और 26, तो इनकी क्या ट्रिक बनाए, ठीक। मेन जो ट्रिक होती है वो G से लेके X तक की होती है, इनको वीडियो रिपीट करके देखना जरूर, याद कैसे करनी है वो बताता हूं मैं, आप बीती बता रहा हूं मैंने कैसे याद किया दोस्त। जब हम सोने जाते हैं, जब हम सोने जाते हैं तब हमें नींद तो नहीं आती है, ख्यालों में डूबे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, हाँ या ना। तो जब आप लेटो रात में, आंखें बंद करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो, खुद से सवाल करो, ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ओ मतलब इजोटी से मिलेगा ओ का 15, एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एम को अगर मैं घुमा दूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन जाएगा 3 3 मतलब 13, एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एल अगर मैं थोड़ा सा स्टाइल से बनाऊं तो 2 बन जाएगा, 2 मतलब 12, पी का प्लेस वैल्यू क्या था, पी को मैं कर दूं रिवर्स 6 बन गया, 6 मतलब एक और लगाया 16, या पी का पूरी छोला 16। खुद से मेमोराइज करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। मैंने 2 रातें ली थी, दिन खर्च नहीं किए, 2 रातें ली, 2 रातों में पूरा का पूरा याद कर डाला, ये मेरा आप बीती है, ठीक है ना। आप इसको रटो, जैसे कर सकते हो वैसे करो, लेकिन ये याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हो तो इसको याद करना मैंडेटरी है, स्टार मार्क कर लीजिए, चाहे कैसे भी याद करो, मुझे नहीं पता, एनी हाउ ये आपको रटे होने चाहिए, ठीक। अगले को अभी देखो, अभी हमने सिर्फ प्लेस वैल्यू याद करी है, इसके बाद हमें रिवर्स भी याद करने होते हैं। रिवर्स क्या होते हैं कि भैया ए का रिवर्स होता है जेड और बी का रिवर्स होता है वाई, ये हम याद करेंगे लेकिन कल की क्लास में, आज के लिए इतना रखेंगे, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवर्स जो है हम कल करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, हमसे क्या पूछा, देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स आपका एग्जाम में फिक्स है, रट लो, देख लो, जान लो, पहचान लो, अपने दिमाग में
घुसा लो, ये फिक्स है, एक मार्क्स आएगा जरूर। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को, कम से कम एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सवाल क्या कह रहा है, बात समझने की कोशिश करना, बड़े प्यार से समझाऊंगा। हमसे बोला है हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर, ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं आर देयर इन द वर्ड टिकटॉक बैन, ये एक वर्ड है, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सवाल का क्या मतलब है बात समझो, ए बी सी डी, ठीक है, और इस तरीके से करते हैं इसको, हम रिलेट करते हैं, ठीक है ना, आई जे के एल एम एन, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये कुछ ना कुछ आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है। हमारे पास वर्ड क्या दे रखा है, टिक टॉक बैन, इसकी प्लेस वैल्यू 20, 9, 11, 20, 15, 11, 2, 1, 14, रटी होनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, बात समझना, ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है नीचे वाली, इसमें ध्यान से देखो के से एल के बीच में कितने लेटर्स आए हैं, के से एल के बीच में, के से एन के बीच में, एल और एम कितने लेटर्स आए हैं, दो लेटर आए हैं, बात समझना, बड़े ध्यान से समझा रहा हूं, के से एन के बीच में दो लेटर्स आए। टिकटॉक बैन में क्या कोई ऐसा पेयर बन रहा है, मुझसे ये पूछा गया है। देखो के से एन के बीच में दो लेटर्स आए हैं, पूछा क्या गया है हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, मतलब पेयर क्या है के और एन, ये एक पेयर माना गया कि ऐसे कितने पेयर्स हैं मेरे इस वर्ड में जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है ना आपको कि के से एन में दो लेटर्स होते हैं और टिकटॉक बैन में भी के से एन के बीच में दो ही लेटर आए हैं, ठीक है, तो ये एक पेयर काउंट होगा, ऐसे कितने पेयर्स हैं वो मुझे निकालना है। तो ये कैसे, क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना दोस्त, अगर क्वेश्चन का मतलब समझ गए तभी हम आगे कर पाएंगे। अब समझो क्वेश्चन में करना क्या है, हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, जितने भी लेटर्स हैं उनके नंबरिंग कर लेनी है। साफ साफ लिख लेते हैं इसको, टिक टॉक बैन, यहां पे है 20, 9, 11, 20, 15, 11, 1, 2, 40, ठीक है। अब हमें पेयर ढूंढना है, तो देखो होता क्या है ना, कभी कभी आप लेटर्स की काउंटिंग करो कि के बाद क्या आता है तो मैं भूल जाऊंगा, क्यों, क्योंकि इतने फ्लो में याद नहीं कि के बाद एल आता है, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद पता नहीं क्या आता है, एस आता है, तो थोड़ा सा याद करने में अल्फाबेट लेटर्स को टाइम लगता है कि हाँ हम तुरंत से नहीं बता पाए, लेकिन पता है मुझे 9 के बाद 10 आता है, 11 के बाद 12 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 13 के बाद 14 आता है, ये रटे हुए हैं। तो नंबर्स के थ्रू इनके पेयर्स निकालना काफी आसान होता है, इसीलिए प्लेस वैल्यूज को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कैसे है बता रहा हूं, 20 लिखा है, 20 के बाद नंबरिंग शुरू कर दो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, जहां पे जो आप नंबर बोल रहे हो अगर वो नंबर आपको मिल जाए तो वो एक पेयर माना जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला, ठीक है, फिर देखते हैं 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 नहीं मिला, 20 के बाद कोई भी बड़ा नंबर नहीं, 15 के बाद 16, 17 कोई बड़ा नंबर नहीं है। अब यहां से देखो, हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो हमने पहले देख रखा है, 11 के बाद 14 आएगा, कैसे, 12, 13, 14, जो हमने बोला उस प्लेस पे वही नंबर हमें मिल गया, तो ये एक पेयर काउंट हो जाएगा।
फिर टू के बाद थ्री फोर नहीं है, वन के बाद टू नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पेयर मिला है, हमें चाहिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। तो अब हम उल्टा आएंगे, 14 के बाद यहां से 15, 16, 17 शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई नहीं मिला, चलो वन के बाद टू एक और मिल गया, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कोई नहीं है, तो हमें क्या मिला, एक ये मिला, बी से ए का पेयर, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में। इलेवन के बाद ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन कोई नहीं है, फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन कोई नहीं है, फिर 20 के बाद 21, 22 कोई नहीं है, 11 के बाद 12, 13 कोई नहीं है, 9 के बाद नहीं 20 के बाद। तो मेरे पास कंप्लीट कितने पेयर आ गए दोस्त, टू पेयर आ गए। इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, टू, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। ये एक क्वेश्चन फिक्स है, इसको स्टार मार्क कर लो दोस्त, फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसी बेसिस पे अगला क्वेश्चन है, इसको फटाफट से करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ भाई, क्या आंसर आया, चलो देखते हैं। हमने फटाफट से ये सब कुछ कर लिया अपना कार्यक्रम। अब देखो थ्री के बाद फोर फाइव, हाइलाइटर यूज करते हैं, हाइलाइटर से थोड़ा ज्यादा सही समझ आएगा। चलो पेन ही यूज कर लेते हैं, हाईलाइटर दिख नहीं रहा है इसको। थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन कोई भी नहीं है, फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री कोई नहीं है, एटीन के बाद देखो ध्यान से देखना आप, एटीन के बाद नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एक मिला मुझे पेयर, क्या मिला, आर से वी, ठीक है ना। अब 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये एक मिला O से लेके U तक का। फिर 14 से देखो 15, 16, 17, 18 ये एक मिला N से लेके R तक का, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई नहीं है, 22 के बाद कोई नहीं है बड़ा नंबर, 9 के बाद भी कोई नहीं, 18 के बाद भी कोई नहीं, 21 के बाद भी नहीं, 19। तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोस्त कितने मिले, अभी तीन मिले हैं, अभी बैकवर्ड आना बाकी है। अब देखो, अच्छा इसको ऊपर बना लें, एन से लेके आर तक का, ठीक है, नीचे की स्पेस खाली रखते हैं। 19 के बाद 20, 21, 22, 23 कोई नहीं है, ठीक, चलो 21 के बाद भी कोई नहीं है, 18 के बाद देखते हैं, 19, 20, 21, 22 कोई नहीं आएगा, 9 के बाद देखते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमें एक मिल गया आई से लेके ओ तक का। फिर 22 के बाद 23, 24 कोई नहीं है, 1 के बाद देखें 2, 3, 4, 5 कोई नहीं मिलेगा, 14 के बाद 15 एक मिला, ठीक है ना। अब 15 के बाद 16, 17, 18 कोई नहीं है, 18 के बाद नहीं, नहीं है, ठीक। हमें कितने मिले दोस्त, एक दो तीन चार पांच, मोर देन फोर हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में टोटल फाइव पेयर्स मिले हैं, फाइव पेयर्स, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए।
अब सवाल ये उठता है सर इसको हम जल्दी कैसे करें। तो देखो दोस्त, जल्दी करने का सिंपल सा तरीका है, आप जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखो तब आपको क्या करना चाहिए, फटाफट से आपने कोरोना वायरस देखा, कोरोना वायरस के जो लेटर्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है सिर्फ वो अपनी कॉपी पे लिखो, सिर्फ वो अपनी कॉपी पे लिखो और फटाफट से पेयरिंग देखना शुरू कर दो। विद इन 25 to 30 seconds आप कंप्लीट कर सकते हो, विद इन 25 to 30 seconds, ये मेरा एक्सपीरियंस है, करके देखना। अगला क्वेश्चन फट देखो, मोर देन फोर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो, ये आपके पैटर्न हैं, एक्चुअल पैटर्न्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आरबीआई के या एसबीआई के पेपर में देखे गए, ऐसे कुछ पैटर्न्स। क्वेश्चन को समझो, पढ़ो और आंसर करो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। चलिए, अल्फाबेटिकल सीरीज को जल्दी करने का जो तरीका है वो बस इतना सा है कि जो आपकी क्या है रीडिंग स्किल्स है ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब ये रीडिंग स्किल्स फास्ट कैसे होगी? कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ लोग बोलते हैं अलग अलग तरीके की एडिटोरियल्स पढ़ो, ठीक है ना, इंग्लिश मूवीज देखो। मैं आपसे सिंपल सा एक तरीका कहूंगा, ये सब काम ना भी करो तो एक काम बस कर लेना, जब हम बच्चे थे ना, छोटे थे, तब हम चीजों को जोर जोर से बोल के पढ़ते थे, लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये हमारा जो मुंह है ये पढ़ने के मामले में बंद होता रहता है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब हम अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगते हैं, फिर हम थोड़ा सा ना एक डिप्लोमेटिक वे में आराम से मतलब ऐसे पढ़ते हैं कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, साइलेंट एकदम। भाई इस तरह से अगर पढ़ोगे तो दिमाग आपका नहीं चलेगा, जितना जोर से पढ़ोगे, जितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे उतना ज्यादा दिमाग में आपके चीजें जाती हैं, बात समझना। क्वेश्चन को बोल बोल के पढ़ने की आदत डाल लो, बस जो क्वेश्चन सामने आया बोल बोल के पढ़ने की आदत डाल लो, रीडिंग स्किल्स अपने आप सुधर जाएंगी। एक बार में पढ़ो और फटाफट से दिमाग में वो कॉपी हो जाएगा, पहली चीज ये है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड एज मोर देन टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, ये फैक्ट है, शायद तुम्हें भी नहीं आया होगा। हम जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना दोस्त, इतनी जल्दबाजी होती है हमें कि हम इतनी स्पीड से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पता नहीं कौन सा फर्राटेदार हम पढ़ लेंगे, हमें याद हो जाएगा। भैया टुकड़ों में पढ़ो, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ोगे एक बार में समझ आएगा, ऐसे पढ़ोगे 4 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आदत डालना फटाफट, ये सबसे वर्स्ट अप्रोच होती है जो मैंने अभी दिखाई आपको कि एक सांस में पढ़ोगे क्वेश्चन, टुकड़ों में पढ़ोगे जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन कम कराऊंगा लेकिन अप्रोच बताता रहूंगा, अप्रोच बहुत जरूरी है। क्वेश्चन भले ही कम करो, देर से करो, लेकिन अप्रोच समझते रहो। टुकड़ों में पढ़ते हैं, इफ द थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड, मुझे समझ में आ गया कि हाँ थर्ड अल्फाबेट है, ठीक है ना। देखो ये जो है ना, अच्छा यहां पे अल्फाबेट ना लेके आप लेटर ले लेना, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक। ये देखो यहां पे लिखा तीसरी वर्णमाला, तीसरी वर्णमाला तो होती नहीं है, तीसरा लेटर होता है, तीसरा शब्द होता है, ठीक है। तो आप ये देखो, ये जो एस आर वी है ना, इसका तीसरा लेटर क्या होगा, ये होगा। रीजनिंग में एक चीज याद रख लेना, रीजनिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है और मैथ्स हमेशा राइट
टू लेफ्ट होती है, ठीक है। रीजनिंग हमेशा आपकी लेफ्ट टू राइट चलेगी। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा तो ये होगा, दूसरा तो ये होगा, पहला तो ये होगा, ठीक। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको बाद में जाके बड़े परेशान करते हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूं, ठीक। अब समझो कि भाई अगर तीसरा लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, मतलब कि बी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, एस के बाद क्या आ जाएगा, टी, और टी के बाद क्या आ जाएगा, यू, इस तरीके से हमें चेंज करना है, ठीक। अपने दिमाग में सब चल रहा है, देन हाउ मेनी लेटर्स थस फॉर्म्ड हैज मोर देन टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, टू कॉन्सोनेंट चाहिए, दैट टू डिफरेंट होने चाहिए। फटाफट से देख लेते हैं, जी एच बी एल ए एस एम के टी बी जी ओ एस आर वी, ठीक है ना। हमें चाहिए मोर देन टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट। अगर मोर देन टू बोला है तो मतलब तीन एटलीस्ट, और अगर तीन बोला है तो हमारे पास तो तीन लेटर्स का वर्ड है, तीनों के तीनों लेटर्स डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। अच्छा, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में वो सब के सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक। ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त, कि ये जो दो वर्ड हैं, ठीक, चलो ये वाला नहीं, ये वाला जो वर्ड है ये तो ऑटोमेटिकली कट गया मेरा, ये तो भीड़ में है ही नहीं, ये तो रेस से आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक मेरा कॉन्सोनेंट है बीच में, आया ना, ठीक। चलो अब इसको देख लेते हैं, हमें लास्ट लेटर को चेंज करना है नेक्स्ट के लिए, मतलब सी, टी के बाद यू, ओ के बाद पी, बी के बाद डब्ल्यू। तो यू हो गया कॉन्सोनेंट, ये वाला भी गया, गया नहीं गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक ये, एक ये और एक ये, आंसर आ जाएगा थ्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, पढ़ो ध्यान से, फटाफट से करो। सवाल क्या है, इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको अरेंज कर दिया। रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, Z, Y, X, W, V, U, इस टाइप से रिवर्स चलता है पीछे से, ठीक है। तब पूछा गया है हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद अ वॉवल, मतलब कि हर एक वर्ड में हमें सिर्फ क्या देखना है, कितने वॉवल्स हैं, और अगर वो वॉवल है तो क्या वो सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा वॉवल क्या होता है रिवर्स ऑर्डर में, यू ए ई आई ओ, इस टाइप से होगा ना। तो हमें देखना भाई ए है क्या, ई है क्या, आई है क्या, मतलब छोटा। इस वाले केस में ए आएगा, मतलब ये तो काउंट हो जाएगा, सबसे बाद में ए मुझे मिलेगा, इसमें नहीं है, इसमें ओ बाद में नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है, तो मेरे पास क्या हो गया, सिर्फ इसका वन आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, एच जी बी एस एल ए, इसमें क्या हो जाएगा, टी एम के, फिर हो जाएगा ओ जी बी, और इसमें हो जाएगा एस आर वी, इस तरीके से हमें अरेंज करना है, रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। सॉरी, इसका एस आर वी नहीं होगा, इसका होगा वी एस आर, ठीक है ना, हमें रिवर्स ऑर्डर में लगाना है, छोटे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा मतलब पूछा गया एंड विद वॉवल, एक ही है, इसका ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा आपसे, टाइमर स्टार्ट है, 15 सेकंड दूंगा, 15 सेकंड के बाद करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जल्दी करने पड़ेंगे, माना कि पहली क्लास है लेकिन थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, रीडिंग स्किल्स सुधार लो, हो जाएगा।
देखो 15 सेकंड क्या बोला मैंने, 15 सेकंड बीत गए। बच्चा ऐसे ही करता है, फटाफट से करो, पूरा दे दे रहा हूँ टाइम। लिखा है हाउ मेनी लेटर्स आर देर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से लास्ट लेटर का सेकेंड लेटर मतलब कि आर, एंड थर्ड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, सॉरी थर्ड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड, तो फोर्थ वर्ड का थर्ड लेटर मतलब कि एस। तो R और S तो लाइन से होते हैं, उनके बीच में तो कोई नहीं होता है ना, बिटवीन तो कोई नहीं, इनके R और S के बीच में तो कुछ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक, सवाल ये उठता है, देखो मैंने दोनों ऑप्शन रखे, नन भी रखा, नन ऑफ दीज भी रखा। नन और नन ऑफ दीज में फर्क क्या है? नन का मतलब होता है कोई नहीं, नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब आंसर जीरो है, None of these मतलब जो ऊपर ऑप्शन दी है उनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, टाइमर स्टार्ट है, जल्दी फास्ट फास्ट, हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो फटाफट से करो, ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, एक और है इसके बाद, उसके बाद इसको वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो आपको लग रही होगी। हाँ चलो जल्दी खत्म करो, देखो आज मुझे बड़ा पढ़ाने का मन कर रहा था, बड़ा बातें करने का मन कर रहा था, थोड़ा इसलिए लंबी खींच ली है मैंने वीडियो। ठीक चलो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन अ ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा पढ़ के क्वेश्चन शुरू मत कर देना, राइट टू लेफ्ट, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। अच्छा ये सब चीजें ना कब काम आती हैं, ये कॉम्प्लिकेशन, जब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वर्ड दिया हो, इवन नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हो, अब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, तो राइट टू लेफ्ट करो या लेफ्ट टू राइट करो, हमसे पूछा है थर्ड, तो थर्ड तो वही आएगा, है ना, चेंज अभी करके देख लेते हैं, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, बी, इधर से करते हैं बी, फिर कहाँ कौन आएगा, जी, फिर आएगा एल, फिर एम और फिर एस, एल वाला आपका आंसर हो जाएगा, एल ए एस विल बी द राइट आंसर, फटाफट से ये हमें दिमाग में करना, इसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है बेटा जी, अगर आपने पेन पेपर यूज किया तो आप कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो, सच बता रहा हूँ, रीजनिंग इज ऑल अबाउट मेंटल एबिलिटी, आप कितना सोच पाते हो, बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, टाइमर स्टार्ट, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, देखो दोस्त कॉन्सोनेंट क्या होता है, सी को चेंज कर दिया डी से, एफ को चेंज कर दिया जी से, ठीक, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से चेंज किया है, एंड ईच वॉवल इज रिमेन्ड अनचेंज्ड, उसको चेंज नहीं किया है, तब बताना है हाउ मेनी वर्ड्स थस फॉर्म्ड विल बी नो वॉवल। दोस्त ये बताओ क्या एल ए एस इस भीड़ का हिस्सा है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें है ए और ए को मैं चेंज नहीं करूंगा, मुझसे पूछा है नो वॉवल, तो ये तो भीड़ का हिस्सा है ही नहीं, ये कैंसिल, क्या बी जी ओ भीड़ का हिस्सा है, नहीं है, ये भी कैंसिल। अब मुझसे पूछा गया है जी एच बी एम के टी एस आर वी, इन तीनों में जब मैं कॉन्सोनेंट को चेंज करूंगा नेक्स्ट लेटर से, तब मुझे यह बताना है कि भैया कितने वर्ड ऐसे हैं जिनमें वॉवल नहीं है, जी के बाद क्या आता है एच, एच के बाद आई, केल खत्म, एम के बाद एन, के बाद एल, टी के बाद यू, खेल खत्म, एस के बाद एस टी आर एस यू
VW। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका वन, ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर होगा। जितना जल्दी करोगे, जितना ज्यादा अपने दिमाग को संतुलन, मुझे भागना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, हाथ पैर नहीं कांपने हैं, संतुलन में रखना चाहिए दिमाग। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, जितना बताया गया उतना करो, ठीक है ना। ये वाला एक क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में रखो। इस क्वेश्चन का आंसर हम कल करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, कल मुझे इसका सबसे पहले आंसर चाहिए। एनी हाउ, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने जितना पढ़ाई करी इसको रिवाइज जरूर करना, शुरुआत वाली ट्रिक को याद जरूर करना। और अच्छा, लो आंसर ही हमने बता दिया, ठीक, देखा तो नहीं, देख लिया फिर भी कर लेना, ठीक। चलो, ट्रिक को याद करना, लेटर्स की प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं वो समझना, रात को इस्तेमाल करना अपने आप को, रात में उन सब चीजों को मेमोराइज करना, ठीक। मिलेंगे कल। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, या फिर अगर कर रहे हो तो करवा नहीं रहे हो। वीडियो को शेयर करने का यार जिम्मेदारी आपकी है, बिकॉज ये चैनल आपका है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोगों तक चैनल पहुंचाइए, लोगों तक वीडियोस पहुंचाइए जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। आप लोगों का प्यार बड़े ही अच्छे तरीके से मिल रहा है, थोड़ा सा और मिल जाएगा तो ये जो सिलसिला है ये बड़ा लंबा चलेगा। ये हम T20 के मुद्दे से नहीं आए हैं, हमें खेलना है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब कि लंबा खेलना है, आराम से खेलना है, लंबा खेलना है। हम ऐसे नहीं है कि हाँ भाई 2 महीने 3 महीने के लिए आए फिर चले गए। हम लंबा टिकना चाहते हैं, लंबा खेलना चाहते हैं, लंबा आपको आपको सर्विस देनी चाहते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, फटाफट से वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।